डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालना सीख लिया है, बट यहाँ पर हमसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात की जा रही है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले इसे ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, प्लेन है जिसके ये दो परपेंडिकुलर एक्सेस हैं, वन इज एक्स एक्सेस और जो वर्टिकल एक्सेस होगा वो हमारा वाई एक्सेस होगा, और सेंटर ऑफ ए प्लेन इज कॉल्ड ओरिजिन जिसको हम नाम दे देते हैं ओ। अब मान लेते हैं इस प्लेन पर कहीं एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई। तो अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूल बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी निकालना सीख लिया है, इट मीन्स हमने ये वाली डिस्टेंस को निकालना सीख लिया था। कैसे कैलकुलेट करते थे, सबसे पहले हम क्या देखते थे, उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। उस अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, एक्स कॉमा वाई। ये एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स हमें क्या बताते हैं, बिंदु की अच्छों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बताते हैं कि बिंदु अच्छों से कितनी दूरी पर स्थित है। जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो बताता है कि ये बिंदु वाई अक्ष से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, ठीक। और बिंदु की एक्स अक्ष से परपेंडिकुलर की डिस्टेंस को कौन बताता है, इसका वाई कोऑर्डिनेट, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं ओरिजिन से इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की दूरी भी क्या होगी, इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए ये लाइन हटा दें तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या बन गया है, त्रिभुज बन गया है, और त्रिभुज भी कैसा है, समकोण त्रिभुज, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा लंब हो गया। तो ये हमारा क्या होगा, कर्ण होगा, यानी ओरिजिन से बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, हमारी हाइपोटेनियस के बराबर होगी। तो बाय पाइथागोरस हम इस लेंथ को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा जो कर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर, इट मीन्स एक्स का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, इट मीन्स वाई स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं किसी बिंदु की मूल बिंदु से जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पर एक्स और वाई क्या है, बिंदु के निर्देशांक हैं, क्लियर है। बट यहाँ पर हमसे मूल बिंदु से दूरी नहीं पूछी जा रही है बिंदु की, हमसे क्या बोला जा रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास दो बिंदु होने चाहिए। तो मान लेते हैं एक बिंदु कहीं पे यहाँ पे है B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स कॉमा वाई, सॉरी अगर एक्स कॉमा वाई ही मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बिंदु सेम हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं जो फर्स्ट पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन कॉमा वाई वन, और जो सेकंड पॉइंट है बी उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स टू कॉमा वाई टू, क्लियर है। अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो अब डिस्टेंस भी बदल जाएगी, जो ओरिजिन से इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की दूरी हो जाएगी वो एक्स वन हो जाएगी, और ओरिजिन से वाई एक्स एक्सिस के बीच की दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वाई वन हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार अगर पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर होगा, इसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वाई टू हो जाएगी। और अगर हम ओरिजिन से बात करें, ओरिजिन से इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, जो कि क्या है, एक्स टू है। अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें तो आपको पता होगा ओरिजिन से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है, x2 है, और इतनी दूरी कितनी है, x1 है, इट मीन्स अगर हम इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये दूरी निकल आएगी, वो क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 हो जाएगी, क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम पॉइंट ए से x अक्ष के समांतर एक लाइन ड्रॉ करें, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें,
तो कुछ लाइन ऐसी ड्रॉ होगी और वो लाइन इस लाइन पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो अगर आप ये फिगर देख पा रहे होंगे तो इसके सभी जो एंगल होंगे वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। इट मीन्स ये जो फिगर होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल होने के कारण इसके आमने सामने वाली साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। इट मीन्स यहाँ से ये वाली जो साइड होगी वो कितनी होगी, इसके y1 के बराबर होगी, है ना, और ये वाली जो साइड है वो इस साइड के बराबर होगी। इट मीन्स ये जो साइड होगी वो क्या होगी, x2 माइनस x1 के बराबर। क्लियर है, ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, x2 माइनस x1 के बराबर। अगर हमसे ये वाली डिस्टेंस पूछी जाए तो ये डिस्टेंस हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है ये पूरी लेंथ कितनी है, y2 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, y1 है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, y2 माइनस y1। क्लियर है, बट हमसे क्वेश्चन में इन किसी भी दूरी को नहीं पूछा जा रहा है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, बिंदु A है और बिंदु B है उसके बीच की दूरी। इट मीन्स हमसे ये वाली डिस्टेंस को क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इस डिस्टेंस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन वही आप देख रहे होंगे ये कैसा बन गया है फिगर, एक त्रिभुज का बन गया है, और त्रिभुज भी कैसा, एक समकोण त्रिभुज। तो हम कह सकते हैं अगर इसको हम नाम दे दें C, तो हम कह सकते हैं जो त्रिभुज ए सी बी है वो कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमारा क्या होगा, बेस होगा, जो हमारा बेस होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1, और ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा, y2 माइनस y1। तो बाय पाइथागोरस से हम AB की लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। पाइथागोरस क्या कहता है कि कर्ण का, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट मीन्स हम कह सकते हैं AB, लेंथ ऑफ AB बराबर होगी किसके, अंडर रूट में बेस का स्क्वायर। इट मीन्स क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट मीन्स y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जब भी हमसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाए तो हम इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं ये जो रिलेशनशिप आई है वो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हमारा क्या हुआ, डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ, जहां पर वेयर x1 और y1 क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 और y1 इज ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए फर्स्ट पॉइंट, पहले बिंदु के निर्देशांक है, और x2 कॉमा y2 इज ए अनदर कोऑर्डिनेट ऑफ सेकेंड पॉइंट, दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं। क्लियर है, तो जब भी हमसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर पाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहां पर x1 और y1 क्या होंगे, हमारे एक बिंदु के निर्देशांक होंगे, और x2 कॉमा y2 क्या होंगे, हमारे दूसरे बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो कुछ क्वेश्चन इस रिलेशनशिप से कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आए, इसे रफ कर देते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच कोऑर्डिनेट्स आर
2, 3 एंड 5, 7। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक हैं 2, 3 और 5, 7। तो अभी हमने सीखा है कि दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जहां पर x1 और y1 क्या होते हैं, पहले बिंदु के निर्देशांक, और x2, y2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में जो x1 और y1 का मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2, 3 दिया गया है, और x2 और y2 के जो मान दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, 5, 7। तो सिंपली हम इस रिलेशनशिप में इस वैल्यू को पुट अप करेंगे और इजीली आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो x2 कितना है हमारा, 5। तो 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर, सो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इट मींस 9 + 16 इक्वल टू अंडर रूट में 25, और रूट 25 इज इक्वल टू 5। तो हम कह सकते हैं बिंदु 2, 3 और 5, 7 के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, 5 यूनिट होगी। क्लियर है? तो जब भी हमारे क्वेश्चन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाए तो हम बहुत ही आसानी से इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके पॉइंट्स हैं 4, -7 और -1, 5। अभी भी हमारा क्वेश्चन वही है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक हैं 4, -7 और -1, 5। जहाँ पर x1 और y1 कितना हो जाएगा इस बार, 4, -7, और x2 और y2 कितना हो जाएगा, -1, 5। बस अंतर क्या है इन कोऑर्डिनेट में, अब हमारे पास नेगेटिव कोऑर्डिनेट भी हैं। इट मींस जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो इनके साइन का भी ध्यान रखेंगे। तो x2 कितना है हमारा, -1, तो -1, -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -7 का होल स्क्वायर, सो इन दिस केस -1, -4 इक्वल टू -5 का होल स्क्वायर प्लस 5 - -7। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं ये किसका होगा, 12 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, एंड 12 का 144, सम अप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 169। 169 किसका होता है, 13 का। तो हम कह सकते हैं बिंदु 4, -7 और बिंदु 1, 5 के जो बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, 13 यूनिट होगी। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जाए तो हम इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन लिखिएगा, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज 13 यूनिट विच कोऑर्डिनेट्स आर फोर कॉमा एट एंड के कॉमा -4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
के। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि बिंदु 4.8 और के कॉमा -4 के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 13 इकाई है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो इट मींस आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स आपको गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इक्वल टू कितना है, 13 यूनिट है, क्लियर है। और आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू यूनिट्स क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो कि दिया गया है कितना, 13 यूनिट। हमारे क्वेश्चन में जो x1 और y1 है उसके मान क्या है, 4.8, और x2 और y2 के मान क्या है, k, -4। तो अगर हम इस रिलेशनशिप में इसकी वैल्यू पुटअप करें तो हम कह सकते हैं k-4 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा 13 के। अगर हम दोनों तरफ क्या करें, स्क्वायर अप करें तो रूट हट जाएगा, तो हम कह सकते हैं k-4 का होल स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसको उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, k-4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और ये उधर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144। तो हम कह सकते हैं k-4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 25 के। अगर हम दोनों तरफ रूट लगा दें तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर जो भी चीज़ें दो बार होती हैं वो बाहर निकल आती हैं। तो हम कह सकते हैं k-4 इक्वल हो जाएगा ±5 के, है ना। जब भी रूट हटेगा तो क्या लग जाएगा, प्लस माइनस, है ना, और 25 का कितना होता है, 5 होता है। तो अगर हम k इसे 5 पॉजिटिव लेते हैं तो k का मान क्या आएगा, k = 9 आएगा, और जब हम नेगेटिव ले रहे होंगे तो k = क्या आएगा, -1 आएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे k के दो मान संभव होंगे, जो कि क्या होगा, 5 और -1। इट मीन्स जो हमारे सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, 5, -4 या -1, -4। इट मीन्स एक पॉइंट तो हमारा कहाँ पे लाई कर रहा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पर, और एक दूसरा पॉइंट होगा जो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट पर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट पर क्या होते हैं, बोथ कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव, है ना। तो हम कह सकते हैं बिंदु 4.8 से 13 दूरी पर स्थित दो ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनके बीच की दूरी कितनी होगी, 13 यूनिट होगी, और जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे या तो 5, -4 होगा और या तो -1, -4 होगा। तो जब भी हमारे पास दूरी होगी तो हम इस रिलेशनशिप का भी इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, यदि इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा चेंज कर दें, इफ ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज 17 यूनिट्स विच कोऑर्डिनेट्स आर k+1 and 9 and 4, -6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अभी भी क्वेश्चन में आपसे वही बोला गया है कि बिंदु k+1, 9 और बिंदु 4, -6 के बीच की जो दूरी है वो 17 इकाई है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, हम वहीं से शुरू करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमें गिवन है कितना है, 17 यूनिट्स है, और हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो कि दिया गया है कितना, 17 इकाई। तो अगर हम बात करें तो इस केस में हमारा x1 और y1 कितना है, k+1 और 9, और x2 और y2 कितना है, 4, -6।
बट जब भी आपको वेरिएबल वाले क्वेश्चन मिले, जैसे यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट क्या है हमारा k प्लस वन है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप प्रेफर करिए कि इस पॉइंट को आप x2 कॉमा y2 मानिए, इसे सेकंड कोऑर्डिनेट मानिए, और इस तरह जिसमें आपका दोनों ही नंबर के फॉर्म में है उसे x1 कॉमा y1 मानिए। आपका आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या हो जाएगी इस केस में आसान हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे होगे अपने फॉर्मूले में जो x1 और y1 है वो ऑलवेज आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो जब भी आपको ऐसे फॉर्म में मिलते हैं तो उनको सिम्बॉल चेंज करने में आपको हो सकता है प्रॉब्लम जाए, तो बेहतर होता है कि हम उनको x2 कॉमा y2 माने और इन्हें x1 कॉमा y1 माने। तो अब वैल्यू पुट अप करेंगे, आंसर में कोई भी फर्क नहीं आएगा आपका, है ना। तो अगर हम वैल्यू पुट अप करें तो हम कह सकते हैं k प्लस वन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस माइनस सिक्स माइनस नाइन का होल स्क्वायर बराबर दिया है किसके, 17 के। अगर हम इसे दोनों साइड क्या कर दें, स्क्वायर अप कर दें, तो हमारा रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो हम कह सकते हैं k प्लस वन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, 17 का क्या होता है 289, क्लियर है। इसको हम यहीं रहने देते हैं, इसको हम उधर ले जाते हैं, तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या आएगा, k माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल होगा, अगर हम 289 में माइनस कर दें 225 का, तो क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं k माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, 64 के। तो हम कह सकते हैं k माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर है किसके, 64 के। अगर हम दोनों तरफ रूट्स ले लें तो आपको पता होगा रूट्स के अंदर जो भी दो चीज़ अंदर दो बार होती है वो एक बार बाहर निकल आती है, तो हम कह सकते हैं k माइनस वन इक्वल होगा प्लस माइनस 8 के। अब यहाँ के मान कितने संभव होंगे, दो मान संभव होंगे, एक बार जब हम प्लस ले रहे होंगे और एक बार जब हम माइनस ले रहे होंगे। तो जब हम प्लस ले रहे होंगे तो ये उधर जा रहा होगा, तो क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो k का मान क्या आ जाएगा, एक 5 आ जाएगा। और जब हम यहाँ माइनस लेंगे तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो हम कह सकते हैं एक मान क्या हो जाएगा, माइनस का 11। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस हमारे k के दो मान संभव होंगे, एक होगा 5 और एक होगा माइनस का 11। तो जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसे आए जिसमें आपको डिस्टेंस गिवन हो और आपसे एक कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछ लिया जाए, तो उस केस में हमारे को कैसे कैलकुलेट करना है, आपको डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स से स्टार्ट करना है और वैल्यू पुट अप करके बहुत ही आसानी से आंसर को कैलकुलेट कर लेना है। याद रखिएगा यहाँ पे हमसे k का मान पूछा गया है, अगर पॉइंट का पूछा होता तो हम उसमें क्या कर देते, प्लस वन कर देते, इट मीन्स हमारा इसका आंसर कितना आता, 6 आता, और ये क्या आता, माइनस का 10, क्लियर है। चलिए रफ कर देते हैं इसे, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच पोलर कोऑर्डिनेट्स आर आर वन कॉमा थीटा वन एंड आर टू कॉमा थीटा टू। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिसके ध्रुवीय निर्देशांक हैं आर वन कॉमा थीटा वन और आर टू कॉमा थीटा टू। अभी तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीख लिया है। क्या होती है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बराबर होता है हमारा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर।
जहाँ पर x1 और y1 और x2 और y2 हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, बट यहाँ पर जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इट मींस हम इन कोऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट पुट अप करके डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी सीखा है। अगर हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा थीटा हुआ करते हैं तो उसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होते थे, आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। अगर हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा थीटा होता है तो अगर हम जब उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। इट मींस जो x का मान होता है वो क्या होता है, आर कॉस थीटा, और जो y का मान होता है वो क्या होता है, आर साइन थीटा। ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में सीख लिया है। तो इन दिस केस जो हमारा फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, आर कॉमा थीटा नहीं है, r1 कॉमा थीटा 1 है। इट मींस हमारे जो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, r1 cos थीटा 1 एंड r1 sin थीटा 1। और ठीक इसी प्रकार सेकंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, r2 cos थीटा 2 एंड r2 sin थीटा 2। इट मीन्स जैसे ही हमने यहाँ इनको कन्वर्ट किया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, इट मीन्स हमारे पास अब क्या अवेलेबल है, x1 एंड y1 की वैल्यू, और ठीक इसी प्रकार x2 और y2 की वैल्यू अवेलेबल है। तो अब हमारे पास जब x1 y1 और x2 y2 है तो इन सभी वैल्यू को हम पुटअप करके अपने डिस्टेंस फॉर्मूले में डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होगा हमारा, अगर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करें यहाँ पे तो हम कह सकते हैं r2 cos इस cos थीटा 2 माइनस r1 cos थीटा 1 का होल स्क्वायर, यही मान है हमारे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का, प्लस अगर हम देख रहे होंगे y2 माइनस y1 क्या होगा, r2 sin थीटा 2 माइनस r1 साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अगर हम इनसे कैलकुलेट करें और इन स्क्वायर को खोल दें तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, अगर हम इसे a मान लें और ये इसे b मान लें तो ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर अगर हम खोल रहे होंगे तो r2 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस बी स्क्वायर खोल रहे होंगे तो r1 cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2ab, है ना, 2r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2। ये तो थी इसकी वैल्यू। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसे भी खोल दें तो ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर ही लिखा है, तो अगर हम इसे खोल रहे होंगे तो r2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस r1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 r1 r2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अगर इसे हम और कैलकुलेट करें तो अगर आप देख पा रहे होगे, अगर हम इसमें से और इसमें से r2 स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसमें से और इसमें से r1 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और बाकी रिमेनिंग जो भी बच रहा है उसमें से हम क्या कॉमन ले लें, माइनस 2 r1 r2 और यहां से भी ले लें माइनस 2 r1 r2, तो क्या बच जाएगा,
अंदर बच जाएगा कॉस थीटा टू कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा टू साइन थीटा वन। क्लियर है? अब आपको पता होगा इन ए ट्रिग्नोमेट्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। इट मीन्स ये जो वैल्यू लिखी गई है उसका मान कितने के बराबर है, एक के। और ठीक यहाँ पे इसका मान कितने के बराबर होगा, एक के। और आपको एक चीज़ और पता होगी, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पर सेम यही फॉर्म लिखा गया है, बस ए और बी की जगह क्या है, थीटा वन थीटा टू। इट मीन्स हम इसको कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसे अच्छे से लिखें तो आप देख पा रहे होगे इसका मान तो वन हो गया, इसका भी मान वन हो गया। तो हम लिख सकते हैं आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू, और ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी। इट मीन्स कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन, इसको हम लिख पा रहे होंगे कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन। तो हम कह सकते हैं हमारी जो डिस्टेंस आई है वो क्या आई है, अंडर रूट में आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू कॉस थीटा टू थीटा वन। अगर आप इस रिलेशनशिप को या इस डिस्टेंस फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो इसमें जो भी चीज़ यूज की गई है वो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स में ऑलरेडी से है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, आर वन, आर वन हमें गिवन है, आर टू भी गिवन है, और थीटा वन थीटा टू का भी मान हमें ऑलरेडी गिवन है। इट मीन्स अब हमको जब भी पोलर कोऑर्डिनेट्स के क्वेश्चन मिलेंगे तो हम इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल ना करके डायरेक्टली इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं अगर हमारे दो पोलर कोऑर्डिनेट्स आर वन कॉमा थीटा वन और आर टू कॉमा थीटा टू हैं तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, अंडर रूट में आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर माइनस टू आर वन इंटू आर टू कॉस थीटा टू माइनस थीटा वन। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में पोलर कोऑर्डिनेट्स की डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा तो हम इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके उनके बीच की दूरी को कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर इतना? चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। एक क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विच कोऑर्डिनेट्स आर फोर कॉमा ट्वेंटी डिग्री एंड टू रूट थ्री कॉमा फिफ्टी डिग्री। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक हैं चार कॉमा बीस डिग्री और दो रूट तीन कॉमा पचास डिग्री। इट मीन्स जो आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो कैसे दिए गए हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। ये क्या होगा, हमारा आर होगा और ये हमारा थीटा होगा। इट मीन्स आर वन और थीटा वन की वैल्यू दी गई है और ये हमारा आर टू और थीटा टू होगा। तो अभी हमने सीखा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है इन पोलर फॉर्म, डिस्टेंस बराबर क्या होता है वहाँ पर,
अंडर रूट में आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू कॉस थीटा टू माइनस में थीटा वन। तो अगर हम इनकी वैल्यू को पुट अप कर दें तो इजीली आंसर कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो आर वन कितना है हमारा 4, तो 4 का स्क्वायर। आर टू कितना है 2√3, तो 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 4 एंड 2√3 कॉस। थीटा वन कितना है हमारा 20 डिग्री और थीटा टू कितना है 50 डिग्री, इट मीन्स 50 − 20 डिग्री। क्लियर है? अगर हम इनसे कैलकुलेट करें तो ये कुछ इस प्रकार आ रहा होगा, 4 का स्क्वायर 16, 2 का कितना होगा 4 और रूट 3 का कितना होगा 3, इट मीन्स 4 × 3 = 12 माइनस 2 2 × 4 × 2 16√3 कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। क्लियर है? तो अगर हम कॉस की भी वैल्यू पुट अप करें तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और 16 कितना हो जाएगा 28 माइनस 16√3 × √3/2। 2 से इसको काट देंगे तो ये कितनी टाइम्स गया 8 और √3 कितना हो जाएगा 3, तो 8 × 3 = 24। तो हम कह सकते हैं 28 − 24 इट मीन्स अंडर रूट में 4। इट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स आर 2 units, है ना? तो हम कह सकते हैं 4, 20 डिग्री और 2√3, 50 डिग्री के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी 2 इकाई होगी। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए जाएं तो हम इस रिलेशनशिप का इस्तेमाल करके डायरेक्टली वैल्यू को पुट अप करके आंसर को कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको ये रिलेशनशिप याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है? अभी तक हमने जितनी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है उसमें या तो एक सिंगल पॉइंट या 2 points के बारे में हमने डिस्कस किया है। बट क्या होगा जब हमारे किसी क्वेश्चन में हमें एक साथ 3 points दे दिए जाएं? तो 3 points के केस में हमारे पास 2 scenario बनते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में हो सकता है कि दिए गए तीनों पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हों, इट मीन्स तीनों पॉइंट्स कैसे हों, कोलिनियर हों। अगर आपके तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं हैं, इट मीन्स सेकेंड सिनेरियो बन रहा होगा जहाँ पे तीनों पॉइंट्स मिलकर एक फिगर बना रहे होंगे जिसे हम ट्रायंगल कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपके दिए गए तीनों कोऑर्डिनेट्स कोलिनियर के हैं या ट्रायंगल के हैं? तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में 3 points गिवेन हो तो हम कह सकते हैं कि उस केस में हमारे 2 scenario बन रहे होंगे। फर्स्ट सिनेरियो में हो सकता है कि वो तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हों, एक स्ट्रेट लाइन पर हों। स्ट्रेट लाइन पर मतलब एक सीधी रेखा पर हों। अगर वो तीनों पॉइंट्स एक सीधी रेखा पे हैं, इट मीन्स एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पॉइंट यहाँ पे होगा। अगर हम नाम दे दें पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो हम कह सकते हैं पॉइंट्स ए बी एंड सी आर ए कोलिनियर, है ना? ये तीनों क्या है, एक सीधी रेखा पे हैं। अगर ये एक सीधी रेखा पे नहीं है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है, अगर हम तीनों पॉइंट्स को मिला दें आपस में, तो आप देख पा रहे होंगे जो पॉइंट ए बी सी मिलकर एक फिगर बना रहे होंगे वो कैसा फिगर होगा, वो एक ट्रायंगल का फिगर होगा, एक त्रिभुज का होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि
दिए गए तीनों पॉइंट्स ट्रायंगल हैं या कोलिनियर हैं उसकी कुछ कंडीशंस होती है। तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन की बात करें, फर्स्ट कंडीशन ऑफ कोलिनियर, तो हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ ए बी एंड लेंथ ऑफ बी सी को जब हम सम करें तो जो लेंथ मिलेगी वो लेंथ ऑफ किसके बराबर मिलेगी, ए सी के। यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जब हम जोड़ेंगे तो वो इस पूरी दूरी के बराबर होनी चाहिए। ये फर्स्ट कंडीशन है आपके किसी भी तीनों पॉइंट्स के कोलिनियर होने के, और इसे हम बहुत ही ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं बाई डिस्टेंस फार्मूला। अभी हमने सीखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, तो इस कंडीशन को हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट करना कर सकते हैं। अगर ये लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इक्वल नहीं है ए सी के, इट मीन्स क्या होगा कि आपका जो फिगर बन रहा होगा वो क्या होगा, एक त्रिभुज का होगा, है ना। तो इसी अगर ये कंडीशन नहीं फॉलो करती है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो फिगर होगा वो क्या होगा, एक त्रिभुज का होगा। और त्रिभुज की जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो त्रिभुज की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, है ना, लेंथ ऑफ ए बी लेंथ ऑफ बी सी ऑलवेज ग्रेटर होती है किसके, लेंथ ऑफ ए सी के। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से बड़ा होता है ना। जब भी आपने कभी एक त्रिभुज पढ़ा होगा तो इस कंडीशन को बहुत पहले ही पढ़ा होगा, क्लियर है। सेकेंड कंडीशन क्या होती है, अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें तो अगर आपका कोई त्रिभुज है तो वो कोई ना कोई एरिया को क्या कर रहा होगा, बाउंड कर रहा होगा, है ना। अगर आपके तीनों पॉइंट्स मिलकर एक त्रिभुज बनाते हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे होंगे, वो कोई ना कोई एरिया को घेर रहे होंगे। अगर वो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे हैं तो स्ट्रेट लाइन का तो कोई भी एरिया नहीं होता, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल टू जीरो। इट मीन्स अगर किसी तीनों पॉइंट्स से घेरा गया एरिया अगर जीरो के बराबर है तो इट मीन्स वो कैसा है, एक स्ट्रेट लाइन है, वो कोलिनियर है। और थर्ड कंडीशन हम कैसे चेक कर सकते हैं, स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन, है ना। तो फर्स्ट कंडीशन को हम अभी चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने डिस्टेंस फार्मूला सीख लिया है, बट लास्ट की जो टू कंडीशंस हैं उसे हम अभी नहीं चेक कर सकते क्योंकि एरिया ऑफ एबीसी कैलकुलेट करना हमें अभी नहीं आता और स्लोप फॉर्म ऑफ ए लाइन अभी हमने नहीं सीखी है। तो केवल हम फर्स्ट कंडीशन को ही लेकर बता सकते हैं कि दी गई लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है या एक ट्रायंगल है। तो अभी हमने कहा कि अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है तो वो क्या बना रहा होगा, एक त्रिभुज बना रहा होगा। लेकिन आपको पता है त्रिभुज भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। तो उनकी अलग अलग कंडीशन होती होगी क्योंकि आपसे उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा, स्केलन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। तो इसकी क्या कंडीशन होगी, जब ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, जब आपकी तीनों भुजाएं क्या हों किसी त्रिभुज की, अलग अलग हों, तो आपका जो त्रिभुज बन रहा होगा वो कैसा होगा, एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। फर्स्ट कंडीशन तो ऑलवेज सही होनी चाहिए, उसके बाद सेकंड कंडीशन से हम बता पाएंगे कि आपका त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, है ना। अगर आपके त्रिभुज में दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, तो इट मीन्स आपका जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। अगर आपकी दो भुजाएं ए बी बराबर है बी सी के, इट मीन्स आपका जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर आपके केस में आपके तीनों साइड से क्या हैं, इक्वल है, इट मीन्स आपका जो त्रिभुज होगा वो कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अगर आपकी तीनों भुजाएं यानी लेंथ ऑफ ए बी बराबर है लेंथ ऑफ बी सी बराबर है लेंथ ऑफ ए सी के, तो उस केस में जो आपका त्रिभुज बन रहा होगा वो कैसा बन रहा होगा, समबाहु त्रिभुज बन रहा होगा।
तो क्लियर है। तो कभी भी आपके क्वेश्चन में तीन पॉइंट्स दिए जाएं तो आप पहचान पा रहे होंगे कि वो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के हैं या एक त्रिभुज के हैं, और त्रिभुज में भी कौन से त्रिभुज के हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर है, इसे रफ कर देते हैं। और कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड ताकि आप बेहतर समझ पाओ। एक क्वेश्चन लिखिएगा, पॉइंट्स ए -3, -1, पॉइंट्स बी -1, 0 एंड पॉइंट सी 1, 1 आर ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ डैश 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 डैश, है ना। और आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी स्केलेन ट्रायंगल, ऑप्शन सी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ऑप्शन डी इक्विलेटर ट्रायंगल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बिंदु ए -3, -1, बिंदु बी -1, 0 और बिंदु सी 1, 1 निर्देशांक हैं सीधी रेखा के, विषमबाहु त्रिभुज के, समद्विबाहु त्रिभुज के और समबाहु त्रिभुज के। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे कि ये इनमें से किसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो अभी हमने दो कंडीशंस पढ़ी है, अगर ये कोलिनियर हैं, स्ट्रेट लाइन है, इट मींस लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इक्वल होगी लेंथ ऑफ ए सी के, अगर ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये एक त्रिभुज होंगे, तो इट मींस लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ ए सी। तो इनमें से दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन क्या हो रही होगी, फॉलो हो रही होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी लेंथ को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय डिस्टेंस फार्मूला, अभी हमने सीखा है इसको, है ना। तो लेंथ ऑफ ए बी अगर हम कैलकुलेट करें, डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो -1, -3 का स्क्वायर प्लस 0, -1, 0, -1 का स्क्वायर। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आप देख रहे होगे ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, प्लस तीन में से एक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इट मींस ये जो आएगा आंसर क्या आएगा, 4 प्लस 1 इट मींस √5। नहीं, लेंथ ऑफ ए बी कितनी आ गई, √5 आ गई। अब अगर हम लेंथ ऑफ बी सी निकालें तो अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे तो 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएंगे, इट मींस क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू √5। अगर हम सी ए सी निकालें, लेंथ ऑफ ए सी, इट मींस इनको कंपैरिजन कर रहे होंगे तो अंडर रूट में 1 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट मींस ये इसको प्लस कर देगा तो 4 का स्क्वायर प्लस ये भी प्लस हो जाएंगे
तो 2 का स्क्वायर 16 प्लस 4 इक्वल टू रूट 20। रूट 20 क्या होता है? 2 रूट 5। इट मीन्स अगर हम कंडीशन को चेक करें तो ये वाली जो लेंथ आई है वो कितनी आई है? रूट 5। और ये वाली लेंथ आई है कितनी? रूट 5। अगर हम इनको जोड़ दें तो इक्वल हो जाएगा 2 रूट 5 के। और यही कंडीशन क्या है हमारी? सेटिस्फाई कर रही है। इट मीन्स दिए गए जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? एक स्ट्रेट लाइन के हैं। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती, इसका मतलब क्या है? दिए गए जो पॉइंट्स होंगे वो किसके होते? ट्रायंगल के होते। और अगर तीनों जो अभी हमने डिस्टेंस निकाली है वो डिस्टेंस अलग अलग होती तो वो कैसा होता? विषमबाहु त्रिभुज। अगर तीनों में से कोई भी दो भुजाएं, जैसे दो भुजाएं तो इसमें सेम थी, तो वो कौन सा होता? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों सेम हो जाती, ये वाली भी क्या हो जाती? सेम हो जाती, तो उसका उस केस में हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होता, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो जब भी हमारे क्वेश्चन में तीन पॉइंट्स दिए जाएंगे तो हम उनको बाय डिस्टेंस फार्मूला इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो पॉइंट्स कोलिनियर हैं या एक ट्रायंगल के हैं, और ट्रायंगल में भी कौन से ट्रायंगल के हैं। इन कंडीशंस के साथ इनको बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए इसे रफ कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो किसके हैं? एक स्ट्रेट लाइन के हैं।